हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग्स बिट्टू का किट्टू। अपना रियल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मस्ती मजाक। ये तो एज यूजुअल आप पीछे देखिए, टेबल पे मैं काम कर रहा हूँ तो बक्से पे किताब लेके पढ़ रही है। तो शो ऑफ कर रही क्या? मजाक कर रहा। तो एनीवे, तो अब पीछे जब भी देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ऐसे ही देखोगे आप, ठीक है? क्योंकि और कुछ तो इसका भी है नहीं, खाना पीना और पढ़ना है। रिजल्ट क्या है उसका मेरे को टेंशन नहीं है। रिजल्ट हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट एरिया, उसमें नहीं जाना। वो सोचेंगे तो हम अभी का मेहनत कम हो जाएगा मेरा कि हम इतना पढ़े हैं, इतना नहीं पढ़े। जितना पढ़े हैं ईमानदारी से पढ़े हैं और जोश के साथ पढ़े हैं, ठीक है, समझ के पढ़े हैं, बस यही है टारगेट। भिड़ना है, कोई भी काम आपको डिफ़िकल्ट लगे तो उसके साथ भिड़ जाओ। ये कैसे नहीं होगा? कोई भगवान तो ऐसा नहीं है कि ऐसा चीज़ बना के गया कि जो इम्पॉसिबल है, नहीं है। थोड़ा टाइम किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट अब जब उतर जाओ मैदान में तो उसको करके ही छोड़ो। सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा एक दिन। ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि एक बार नहीं हुआ तो चलो छोड़ देते हैं, कोई ना ना होगा ना, ये सोच नहीं रखने का, ठीक है? तो ठीक है, अभी सुबह से मैं काम पर बिजी था, ये भी पढ़ रही थी, तो मैं अभी आफ्टरनून हो गया अभी, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, ठीक है। हर टाइम सुबह का मिल नहीं पाता जल्दी जल्दी में, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग से। तब तक थोड़ा कुछ पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको भी पढ़ने देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसको। मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रही थी। कौन सा सॉन्ग मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रही थी? मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते सुनते सो गई थी। कौन सा सॉन्ग सुन रही थी? देखो, अच्छा आशा कहीं और रहता है या नहीं रहता? ना, हम दिखाएंगे। दिमाग तेज है। डोसा भर लिए कि मैं क्या जो गंदा लगा हुआ है रे, पीलू नमक है, है? नमक है, नमक है। इसे दिमाग तेज हो रहा है तुम्हारा? हमको तो नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है दिमाग तेज हो रहा है। हाँ, पुराना पुराना बात जो लेके आ रही उठा के। तुम्हारा स्क्रैम बुक क्या, स्लैम बुक खोलते हैं, चलो लेके आओ स्लैम बुक। वहाँ पे रखा हुआ है स्लैम बुक इसका, कहाँ फेंक दिया? उधर नहीं रखा हुआ है, लेके आ जाओ। हाँ, वहाँ गंदा करो तुम। क्या हुआ? नहीं है दिमाग लगा ली तो स्लैम बुक ले क्यों? क्यों नहीं, हम तो स्लैम बुक बोल रहे, देखेंगे पता चला चाहिए ना सब। क्या क्या नहीं करिए, क्यों नहीं देखा? तो अच्छी बात है ना, कितना इनोसेंट थी, कितना प्यार मोहब्बत था, दोस्ती यारी सब दिखाना है ना। क्या करिए यहाँ पे? स्लैम बुक नहीं है, निकालो निकालो, गाड़ी में चलो, निकालो, किधर है? इसमें रख दियो। कहाँ? इधर। क्या बात है, ओपन इट प्लीज। आई लव लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। सोचने है क्या है, एक इनोसेंट होता है, सुनते क्यों नहीं खोले? ओ माय गॉड, कौन है ये लड़की? ये क्या दारू मिला रही क्या? नहीं, तो? लैब में ऐसी पोज, ओ लैब में पोज मार के, लैब में पोज मार के। अनफॉरगेटेबल एंड मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स इन माय स्कूल लाइफ, नाउ ओपन दिस डायरी। क्या? ओ माय गॉड, टुलू ओपन। क्या था, मकड़ा था क्या? क्या ये पुका उंगल का मकड़ा है? पूजा चौधरी, क्लास टेंथ है, इंग्लिश लिखी तो इंग्लिश है लेकिन अंदर में तो कवाड़ा किया हुआ है। असाइनमेंट मिला था, देखिए एक्टिविटी, फॉर्मेटिव असाइनमेंट एक्टिविटी इंग्लिश। चलो रोल नंबर 72 याद रहेगा सबको, रोल नंबर 72 तब तो लास्ट में तो हुआ तुम्हारा। वाओ, ये तुम्हारा स्कूल है? हाई
माय स्कूल, अरे दिस, ये तो यही तो इनोसेंट होता है। तुम एकदम फाड़ू इंग्लिश लिख देगी तो तुमको सब 30 मार खाने समझ लेगा। हम तुमको तो तुम्हारा इंग्लिश तो फिर भी अच्छा था, मेरा इंग्लिश 10 में पता है कैसा था, हाउ यू मी आर गुड, ऐसा था। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, समझी, उसके लिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे गैंग है ना, वाह कितना प्यार है तुम्हारा। ये कौन है, तुम तो हमेशा मैडम के बगल में खड़े होकर पोज मारने लगती थी। देखो इधर राइट, इधर लेफ्ट, लुक एट द पिक्चर गाइस, शी इज आवर वाइस प्रिंसिपल, गुड गाइस, शी हैज कम रिसेंटली। मतलब इतना प्यारा, मतलब दिल, ये देखो, नहीं होता है कि परफेक्ट लिखना जरूरी है, मेन होता है फीलिंग्स, कितना अच्छा फीलिंग्स लिखी हो तुम टीचर लोग के लिए, गुड। टीचर, हिज नेम इज डी पांडे सर। इधर भी देखो लेफ्ट साइड खड़ी हो गई है, बट वी वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्या बात है। ओह वाह, ये कौन है, स्पोर्ट्स टीचर, क्या नाम है, देखो इधर भी तुम आ गए, इधर लेफ्ट साइड सियारा बनते थे, साइड में रहती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, क्लास 9 के इंग्लिश में हम फेल हो गए थे, समझी, हमको दोबारा एग्जाम देना पड़ा था, इंग्लिश का कंपार्टमेंट लग गया था मेरे को। सच बात है भाई, इंग्लिश हमारा इतना अच्छा था कि हमको टीचर बोला, मेरा आंसर शीट देख के बोला, बेटा और एक बार फिर से, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था। और चेकिंग हुआ था भाई खाता, मतलब अच्छे अच्छे जो क्लास में पढ़ने वाले थे तो उन लोगों का भी नंबर कम आ गया था, तो सब रोने लगे थे। हम बोले थे बेटा मेरा तो ऐसे ही, हम तो कंपार्टमेंट आए, हम रोएंगे तो कैसे चलेगा। इतना अच्छा इंग्लिश था मेरा, टीचर का भी नहीं समझ में आया कि लिखा क्या है बेटा ये। शी इज लुकिंग स्मार्ट, देखो दारू मिला रही, सॉरी केमिस्ट्री का लैब है, जा लाइन चल गया। ये क्या है, हु इज सी, अर्पिता, अर्पिता इज माय बेस्ट फ्रेंड, दीपिका एंड रणबीर भाई, इन लोग का तो जोड़ी टूट गया, अब ये हटाओ, ये नहीं चलेगा अब। हाँ जी, ये गलत है, इसमें हटाओ, इस लड़का का फोटो हटाओ यहाँ से, इसको पसंद है इसलिए लगाएंगे। कौन, ये की है, लिखी तो शी इज अ बिग फैन, अब लोग जोड़ी, अब इससे बात करके इसको चेंज कर देना। तो मुंह का छिपा लिया हल्का, इसमें ठीक लग रही है, एक में मुँह छिपा ली, एक में मुँह दिखा, ऐसे कैसे चल गए, गलत बात है, हम तो देख लिए तुमको, देखो इसे मुँह छिपा ली, कोई बात नहीं। Then Sipra hurt sir, then she cry a lot, her nature was good, she can't take a lot, इधर पोयम लिख दे रहे तुम। But when she start talking, oh god, guys she can't stop and no one can stop her, so please take care. नाम भूल जा रही तुम, ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर है, कोई ना मिल जाएगी। आई टेल यू सी इज सो नॉटी, मसाला, सुभान अल्लाह। टीचर का इंग्लिश गड़बड़ा देगी तुम, यू नो हर एक्टिंग वाज ऑसम, यार नो ओवर एक्टिंग है, उसको पता चलेगा। किसके बारे में लिखी है, सिप्रा के बारे में, बोल भी रही है सिप्रा के बारे में, सिप्रा देख लो ओवर एक्टिंग करती थी तुम, बता रही है लड़की। देखो ऐसा खोलना नहीं चाहिए, बट ये है कि एक मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, हमारे में मेरे में था कि नहीं मुझे पता नहीं, मतलब हम कभी ऐसा लिखे थे या नहीं, इसीलिए हम बोले देखते हैं। आई ट्रस्ट हर ए लॉट बट समटाइम ही सी, ये तो मेरा प्रॉब्लम हो गया तुमको फिर। कोई ना, एस लगा देना यहाँ पर बस, ब्रेक माई हार्ट एंड माई फीलिंग, ये तो साला ही ब्रेक माई हार्ट एंड फीलिंग, ये तो गजब हो गया फिर, तुम शब्दों के बीच में अपना फीलिंग डाल दे रही है, ऐसा गलत बात है, अब पकड़ लिया हम, यही इसीलिए। सी ऑल्सो स्पीक इंग्लिश नाइसली एंड सी ऑल्सो लुक क्यूट, क्या बात है, क्यूट लुक रही है, बहुत बड़ा होने वाला है लगता है। Finally see my group. Oh,
ओहो, लग रहा है किसी को आज मारने जा रही है ऐसे क्या? प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। वाह, चेस खेल दी थी, फोटो लेकर आई थी। तुम्हारा डांस का वीडियो है ना एक, तो वो भी डाल देंगे। हाँ तो स्कूल में ओएमपी का, ये कहाँ का है? सेंट पॉल कहाँ है? वो सेंट पॉल सासाराम, हमको लगा कि यहाँ का है। नाउ आई एम गोइंग टू से अबाउट माय फेवरेट मैम, शी इज क्यूट ब्यूटीफुल। मैडम लोग क्यूट होती है, हमें पता नहीं था। वो बहुत अच्छी मैम है इंग्लिश की। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैम लिखी है। क्या लिखी है? थैंक यू। पूरा स्लैम बुक में सबसे अच्छा चीज क्या लिखा? मैम लिखी है सब। ओके, ये सब कौन लिखा? मैं लिखी। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं ये इसका स्लैम बुक पहले पढ़ चुका हूँ, तो मतलब जैसी है आप किसी इंसान का प्रीवियस नोट से ये देख के आप बता सकते हो कि वो इंसान कैसा है। तो मैं पढ़ा था तो जैसी है वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनी वन इन दिस वर्ल्ड, ये तो गलत बात लिखी है तुम। Even your shadow will leave when you are in darkness. एकदम सही। If you tell the truth, it's because a part of your past. But if you lie, it becomes a part of your future. Okay, it becomes a part of your life. क्या बात है? You can't change the truth, but the truth can change you. भाई साहब, कहाँ से क्लास 9 में इतना अच्छा अच्छा थॉट आ गया था मित्र को? 9 में तो हम खाली एक ही बाजी करते थे। गुड, बहुत हुआ था। दादी अम्मा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। क्या बात है। दैट्स व्हाई आई आल्सो डोंट कंपेयर मायसेल्फ टू एनीवन। गुड, and stick to the above words. भूलना नहीं, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, लिख दिए लड़की आगे से। और ये तो काफी बड़ा, मतलब उम्र से ज्यादा थॉट जिनके हो जाते हैं ना, वहां से लिए तो वो ये सब थॉट लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, मतलब ये हमको लगता है ये नहीं लिखी होगी, मैं लिखी, तुम लिखी, मतलब उम्र से ज्यादा सोचती थी, अभी उम्र से कम सोचती है। तो अब देखो क्या लिखिए। यू कांट लीव ए पॉजिटिव लाइफ विदाउट अ नेगेटिव माइंड। तुम बैठो ना आश्रम में जाओ, माइक स्पीकर तुमको दे देते हैं, बस यही चार्ट तो जो लिखी हो ना, बस बोलते जाओ, लोग तुम्हारा फैन हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट थॉट, ओपन इट। क्या टॉप थॉट? बेस्ट थॉट, एक मिनट, रुको। ये क्या है? ग्रेट थॉट, रुको। ओके, ऐसा है ग्रेट थॉट, ये है ट्रू थॉट। ओके, दिस इज बेस्ट थॉट, दिस इज क्या है? टॉप थॉट। कोई है लो थॉट? ये क्या है? फैब थॉट। ओके, फैब थॉट, ठीक है। तुम्हारे तो ये नहीं पढ़े? नहीं नहीं, देखो ये फैब थॉट। द एंड मे आल्सो बी ओनली द बिगनिंग, ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। मतलब ये जो स्कूल का दीवार में लगा होता तो वहां से देख देख के छापती थी क्या? Always end the day with a positive thought, no matter how hard things were. Tomorrow a fresh opportunity to make it better. क्या बातें करती हो? इतना दिन से तो नहीं कर रही थी? कर रही थी, good girl। ये मैडम लिखी थी तुम्हारे लिए, पढ़ दो तुम, ये इसमें दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? आप लोग पॉज करके पढ़ना, मीनवाइल पूजा को बोलते क्या लिखिए, पढ़ो। आप तो हमको नहीं लग रहा मैडम लिखी, पूजा पू, ठीक है, मजाक कर रहे थे। हाँ लिख, पढ़ो ना। यू आर वेरी सिंपल गर्ल विथ अ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। Don't change ever for the sake of other happiness. Trust only and only your parents and be their pride. अबे हस्बैंड नहीं बोली मैडम? ठीक है। For God's sake, please, ठीक है, अपने आंसू पर कंट्रोल रखना सीखो। इसीलिए सब तरफ क्या क्या करती रहती है ना? बहुत रोती थी। इसीलिए अच्छा लगता था।
कंट्रोल करना सीखो, बिकॉज इन द ब्यूटिफुल आईज आई डोंट वॉन्ट टू सी टीयर्स. और प्लीज स्वीट हार्ट, हर किसी को अपने आप को हर्ट करने का मौका मत देना. मे अल्लाह, वो थे मुस्लिम थे, बहुत अच्छी थी. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप यू हैप्पी फॉर द एंटायर लाइफ. आमीन. यू आर दैट गर्ल विच विल ऑलवेज बी इन माई गुड बुक एंड हार्ट. ओह माय गॉड, रुला दी क्या है? फिर इसीलिए मैडम लिखी रोना मत. तुरंत में पैं 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 स्टार्ट ही हो गया, खत्म, चैप्टर क्लोज. किसी के लिए नहीं लिखी थी, बट मैंने लिखी. वाओ, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट. नेवर चूज मी एज ए फ्रेंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नेवर लूज मी बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. Honesty is the first chapter in this book. Wisdom, maa kasam. कहाँ कहाँ से छापती है भाई सब thoughts सब? हाँ, ना बड़ा बड़ा thoughts कहाँ से छापती है? तुम तो साला बहुत बड़ा motivational speaker बनेगे किताब खोल के. किताब खोल. तो experience, ये सब छापा हुआ सब जो experience. बस गाना गाते रहो. चलो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं. अब जाते हैं सोने, रात हो गया काफ़ी. हम गाना गा के मत सुना जाता. दो दिल तो दादी गोती हो, सोने दो. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर. शाम को वो इसका स्लैम बुक देखने के बाद पढ़ने उड़ने चल गई थी, उसके ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.